प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थियेटर ब्लॉक का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपनी क्षमताओं को साबित किया और राज्य में बेहतरीन कोविड प्रबंधन का कार्य देखने को मिला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका कार्यकाल बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के दौरान ही अपनी कार्यशैली से कल्याण सिंह जी ने सुशासन की पुख्ता नींव रखी थी। वही पुख्ता नींव आज उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। उनका स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सबकी स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया है, वह सदैव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपने कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बताया कि कैंसर इंस्टीट्यूट प्रदेश और देश के नागरिकों को कैंसर से मुक्त करके कल्याण के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा। इस कैंसर इंस्टीट्यूट की वर्तमान क्षमता 734 बेड की है, जिसे बढ़ाकर 1200 बेड तक किया जा सकता है। इस संस्थान को टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। कालखंड में प्रदेश की बात दो संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, या उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार के जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं न कहीं निर्णायक साबित हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बाबूजी के नाम के अनुरूप यह प्रदेश के कल्याण का कारक बने, इसलिए सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के रूप में इस संस्थान के इंस्टीट्यूट के रूप में इस संस्थान को विकसित किया गया है।